हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लैश ऑफ टाइटंस। तो आज का गेम प्ले शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ प्लैंटीमोन बीजी को। ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट और जो प्यार तुमने इस चैनल को दिया और रोज़ाना मेरे वीडियोस को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आज का गेम प्ले होने वाला है पूरा ही तबाही, क्योंकि जिस कैरेक्टर से मैं खेल रहा हूँ उसका नाम है वायलेट और ये तबाही मचाने में एक्सपर्ट है। ये तभी पॉसिबल है अगर आप सही से फार्म करो और एंड तक गेम को चला सको। वायलेट का मेन डैमेज सोर्स है उसका स्पेशल 1 और साथ में स्पेशल 3। तो मैं बता दूं मैं किस तरीके से इसके स्पेशल्स को बिल्ड करता हूं। पहले मैं स्पेशल 1 को और स्पेशल 3 को बिल्ड करता हूं। जब भी मुझे मौका मिले मैं ये दोनों के ऊपर फोकस करता हूं ज़्यादा, और लास्ट में मैं स्पेशल 2 को अपग्रेड करता हूं, क्योंकि ये स्पेशल 2 स्लो डाउन करने में काम आता है। और अगर बिल्ड का बात किया जाए तो सजेस्टेड आर्किना में जो क्रिटिकल डैमेज बिल्ड मिलता है वही डैमेज बिल्ड को मैं अभी तक 80 तक रैंक अप किया हूँ और उसी से मैं खेलता हूँ। अगर आइटम्स का बात किया जाए तो फिर ये आइटम्स आपको वीडियो से ही दिखने में मिल जाएगा। जब भी मैं कोई आइटम परचेस करता हूँ यूजुअली कोई भी कैरेक्टर के लिए, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उसको मैनुअल परचेस करूँ, क्योंकि सजेस्टेड आइटम्स हमेशा अच्छा नहीं होता है और गेम प्ले जिस तरीके से चलता है उसी तरीके से आपको आइटम परचेस करना चाहिए। जैसे कि किसी किसी गेम में आपको मैजिक डिफेंस चाहिए होता है तो किसी किसी गेम में आपको फिजिकल डिफेंस चाहिए होता है, तो ये आप पूरा ही गेम प्ले के ऊपर डिपेंड करता है। सो ऑलवेज डू दिस प्रैक्टिस कि आप मैनुअली ही परचेस करो। आपका सामना कौन सा कैरेक्टर से हो रहा है या फिर आपके एनिमी टीम में कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसी के ऊपर आप अपना जो आइटम्स हैं वही आइटम्स को आप परचेस करो। तो आप बात करते हैं गेम प्ले के बारे में। सिल्वर टायर में या फिर गोल्ड टायर में जब भी मैं खेलता था तो मेरे को लगता था कि वो सारे के सारे टीम्स यानी कि एनिमी टीम्स वो बॉट ही होंगे, लेकिन ये प्लैटिनम टायर में मैं खेल रहा था और मेरे को ये लग रहा था कि मेरा पूरा टीम बॉट है, यानी कि एनिमी टीम्स को इतना अच्छा मौका मिल गया कि वो लोग सिर्फ किल ही कर रहे हैं। लूबो और क्रिक्सी पहले से ही डोमिनेंस में उतर आए थे, पहले से ही सिर्फ और सिर्फ किल के पीछे भाग रहे थे और किल कर भी रहे थे। देख रहे हो, गेम के 3-4 मिनट तक तो मेरे को सिर्फ नोटिफिकेशन ही मिल रहे थे कि योर टीममेट्स आर डाइंग एंड एनिमी टीम इज गेटिंग किल्स। बट एज आई सेड, अगर तुम गेम को सही से चला पाओ और अगर फार्म ठीक तरीके से कर पाओ तो फिर वायलेट गेम को पलट सकता है। नाउ लेट्स सी। तो मैं लगभग लेवल 6 में पहुँच गया था और मैं फेनरिस टूथ को भी खरीदने वाला था। गाइस, ये फेनरिस टूथ एक बहुत ही अच्छा आइटम है मार्क्समैन के लिए, स्पेशली फॉर वायलेट। मैं हमेशा वायलेट के साथ ये वाला आइटम यूज़ करता हूँ। ये आपको +200 का एक अटैक डैमेज देता है और साथ में इसका जो पैसिव है, इस आइटम का जो पैसिव है वो बहुत ही यूनिक है। अगर एनिमी का हेल्थ 50% से कम रहा तो फिर ये 30% एक्स्ट्रा डैमेज डील करता है। ये कोई भी गैंक में या फिर लेट गेम में बहुत 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 हेल्प करता है। इसी देर में आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिलने वाला है कि ओवर कॉन्फिडेंस किस तरीके से लोग को मारता है। जस्ट वेट एंड सी। ज़ेफिस को लगा था कि वो मेरे को आराम से ख़त्म कर पाएगा, क्योंकि वो फुल हेल्थ में था और मेरा हेल्थ थोड़ा बहुत कम भी था, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसको लीड होगा। गाइस, यहाँ पे एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा। ऑब्वियसली ये कोई प्रो टिप नहीं है, सिर्फ जिस तरीके से मैं खेलता हूँ वही टिप मैं शेयर करूँगा। आप जब भी आप गेम खेलते हो मार्क्समैन को लेकर, तो आप अपना स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करते रहो। हमेशा एग्रेसिव खेलने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये वाले गेम में जो सिचुएशन था वहाँ पे हम लोग डोमिनेटेड हो रहे थे पहले से ही, तो मैं पहले से ही बहुत ही डिफेंसिव खेल रहा था और जहाँ पे मेरे को श्योर किल मिल रहे थे सिर्फ वहीं पे मैं जा रहा था। बेफजूल का गैंक में मैं एंटर ही नहीं कर रहा था, मैं मेरा ये जो लेन है वो लेन को भी नहीं छोड़ रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है आपको कुछ ही देर में मालूम पड़ जाएगा। आई जस्ट लव दिस क्रिक्सी कैरेक्टर। अगर क्रिक्सी को अगर कोई सही से इस्तेमाल कर पाए तो फिर क्रिक्सी आराम से गेम को पलट सकती है, लेकिन आई जस्ट हेटेड जब ये एनिमी टीम में रहता है। oh.
गाइस अगर मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इट रियली हर्ट्स। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं और भी कंटेंट बना सकूँ। I never miss a shot. Aim. Acquiring target. Find my mark. Finally, I kill Krixie. You have defeated an enemy. Your team has destroyed a tower. Ultimate. इस टाइम पे हम लोग सिर्फ यही फोकस कर रहे थे कि हम लोग प्रेस करें और गेम को जितनी जल्दी हो सके फिनिश करें, क्योंकि कब कम बैक हो जाए, कब एनिमी टीम कम बैक कर ले तो ये बोलना बहुत ही टफ है। अब देखो और एनिमी टीम ने यही पे गलती कर दी कि इनके जितने भी डैमेज डीलर्स थे और जो लोग किल्स कर रहे थे वही बाहर आके मर गए और अभी हम लोग आराम से ये गेम को फिनिश कर सकते थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।